एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू गेट एकेडमी। हमारा एनालिसिस प्रीवियस कई दिनों से चल रहा है और उसी एनालिसिस को हम कंटिन्यू रखते हुए आज फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने आया हूं, और उस नए क्वेश्चंस को हम इस वाले लेक्चर में, जो आप आखिरी तक बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम कुछ नए क्वेश्चंस को एक नए फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो ये जो फीलिंग है, एक्चुअली IIT बॉम्बे का जो क्वेश्चंस प्रीवियसली आपको गेट में देखने को मिला था, बस उसी क्वेश्चंस के फीलिंग से हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस का एनालिसिस भी करते हैं। और जो क्वेश्चंस बनाया गया था, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उस क्वेश्चन को किस पर्टिकुलर सोच के साथ, कैसा उनका थॉट प्रोसेस था जब उस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था। और कई बार हम ऑप्शंस का बहुत ही अच्छा एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इन सारे ऑप्शंस में क्या एम्बिग्विटी है, क्यों इन सारे ऑप्शंस को दिया गया था, क्या एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चंस में जो टर्मिनोलॉजी होती है, कई बार हम क्वेश्चंस पढ़ते नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस में जो टर्मिनोलॉजी होती है, उस टर्मिनोलॉजी में काफ़ी सारे बातें जो है वो जो क्वेश्चन फ्रेम करता है वो बोलना चाहता है। और ये सारी बातें हम उस समय तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम पूरे क्वेश्चंस का बहुत ही डीप एनालिसिस नहीं कर लेते। तो हम उसी सीरीज में चल रहे हैं, हम IIT बॉम्बे के क्वेश्चंस का एनालिसिस अभी कर रहे हैं। लेटर ऑन मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि और भी काफ़ी सारे IITs जो पिछले 10 साल में क्वेश्चंस बनाए हैं, उनके भी क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करेंगे एट द फिनिश ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉम्बे का जो सेक्शंस है वो फिनिश होने के बाद। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी लोग आ गए हैं, जो लोग नहीं आए हैं वो लोग आ जाए, सेशन चालू हो गया है, और जो लोग आ चुके हैं वो इसको शेयर कर दें ताकि जो लोग नहीं आए हैं उनको ये बात पता चल जाए कि सेशन चालू हो गया है और हमको यहाँ पे सर का एनालिसिस सुनना है। काफ़ी सारा नॉलेज जो है वो मैं आपका यहाँ पे बढ़ाता हूँ, काफ़ी सारे फार्मूलाज मैं आपको नए देता हूँ, क्योंकि हमारा जो EDC का सब्जेक्ट है वो बेसिकली डिपेंड करता है फार्मूलेज पे। लेकिन सिर्फ फार्मूला को याद करने से ना काम नहीं चलेगा EDC में, आपको समझना पड़ेगा उस फार्मूले के पीछे का जो कंसेप्ट्स है, उस फार्मूले के पीछे का जो डेरिवेशंस है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आज की डेट में गेट में आने चालू हुआ है वो उन सब डेरिवेशन से आना चालू हुआ है। सो यहाँ पे सुराजीत रविदास है हमारे साथ, योगिता है, ऋत्विक है, ऋत्विक ने कुछ पूछा है सर BJT वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है या नहीं, क्योंकि उस पर बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट है या नहीं है वो उसके मार्क्स से पता चलता है। आप अगर देखेंगे कि प्रीवियस में हमारे पास BJT से जो क्वेश्चंस आए हैं वो बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे पास 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन आ जाता है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि उसमें हमारा रैंक इधर का उधर हो सकता है। तो इसलिए अगर आपके सिलेबस में कोई टॉपिक है तो उसके इम्पॉर्टेंस और नॉन इम्पॉर्टेंस का आप केयर मत कीजिए। आप अगर एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसमें जितने भी मार्क्स उस सब्जेक्ट में ला सकते हैं ले आइए, क्योंकि आपके पास उस सब्जेक्ट का फीलिंग उस सब्जेक्ट के पहले यूनिट पढ़ने से ही चालू हो जाएगा। तो क्यों आप बीच के एक चैप्टर को छोड़ के ये पंगा मोल लेना चाहते हैं कि ये बीच वाला एक चैप्टर छोड़ देता हूँ और मैं आगे के चैप्टर्स कर लेता हूँ तो इसमें 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे, उसको मैं EDC में छोड़ दूंगा, यहाँ पे आपका नंबर जो है वो कटना चालू हो गया। तो ये गलत है, आपका सोच ये गलत है। आप कम क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस के टाइप का एनालिसिस मत कीजिए। आप अगर पढ़ रहे हैं EDC तो पूरा पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको सारी बातें बताऊँगा जो हर पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होगी, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। ये जो लाइव सेशंस चल रहे हैं इसका एडवांटेज लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आइए और सारे चीज़ों को समझना चालू कर दीजिए। होप आज भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। डेफिनेटली जब जब आप यहाँ पे आएंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, और मैं प्रयास करता हूँ, मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं कुछ नया आपको देके जाऊँ जब भी मैं आपसे अलविदा कहूँ। सर मॉर्निंग सेशन आज स्किप हो गया क्या? नहीं, मॉर्निंग सेशन आज स्किप नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे सिस्टम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से मैं आज मॉर्निंग का सेशन नहीं ले पाया। हम लोग इसको कवर कर लेंगे आने वाले सेशंस में डेफिनेटली। तो आज किसी का भी मॉर्निंग सेशन स्किप नहीं हुआ है, जो भी अटेंड करता था। तो आज 7:30 बजे कोई भी क्लास नहीं हुई, कुछ सिस्टम में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं लिया हूँ आज की। सो यहाँ पे और होप आज भी कुछ नया सीखने को मिले। तो सभी लोग आ गए हैं और मैं चाहता हूँ कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कुंदन सिंह। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स जो है उसके लिए ना मैं एक अलग से वीडियो आपको दूंगा कि EDC के लिए आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं।
और एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो मैं ग्लोबल पे ले रहा हूँ उसके एंड पे मैं ना आपसे अपने नोट्स भी शेयर करूँगा आपको ये समझाने के लिए। उसमें फॉर्मूलेज रहेंगे और किस तरीके के पॉइंट्स, की पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं वो सारे चीज़ रहेंगे। लेकिन उसमें और क्या एडिशनली करना है आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एडिशनली उस नोट्स में हमको और क्या रखना है जो मैं शेयर करूँगा उसके अलावा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नोट्स जो है वो आपका खुद का, आपका सेल्फ मेड होना चाहिए। मेरे नोट्स आपके कोई काम में नहीं आएंगे क्योंकि मुझे जो याद है हो सकता है आपको याद ना हो, तो मैं अपना नोट्स ऐसा बनाऊंगा जो मुझे याद है, लेकिन हो सकता है वो चीज़ आपको नहीं पता, आपको नहीं याद हो, तो डेफिनेटली आपका नोट्स जो है वो आपका खुद का होना चाहिए। तो ये सारी बातें हम करेंगे। लेट मी कंप्लीट सम पार्ट, कुछ पार्ट मुझे कंप्लीट करने दीजिए, तो उसके बाद मैं आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छे डीप तरीके से बताऊंगा कि ईडीसी में नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, रिविजन कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाना है। मेरे अपने नोट्स में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का नोट्स मेरे पास है और उसके बाद मैं आपसे सारी बातें शेयर करूंगा। ठीक है सर, हाउ मार्क्स ईडीसी कवर्स इन गेट? यस, ये मच लिखना चाह रहे थे शायद। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा कि ईडीसी जो है वो पिछले काफी सालों से अपना पूरा सिनेरियो जो है वो बदलता जा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए सबसे मेन सब्जेक्ट ईडीसी हो गया है, क्योंकि यही ईडीसी पिछले दो साल से आपको या तो मार्क्स गेन करने दे रहा है या फिर आपको मार्क्स गेन करने नहीं दे रहा है। ये दो साल से आपको ईडीसी का सब्जेक्ट टेंशन दे रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर सब्जेक्ट है। अगर यही टेंशन नहीं देगा तो आप कोर में ध्यान नहीं दोगे। तो मैं ये भी बात करूंगा कि ये कोर सब्जेक्ट है, इसको कितना ध्यान देना है, ये सारी बातें ना मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में आपके सामने रखूंगा। तो आप बिल्कुल केयर कीजिएगा, ईडीसी में जो मार्क्स आते हैं वो 10-13 मार्क्स के बीच में वेरी करता है। 10-13 मार्क्स के बीच में आपको जो है वो ऑन एन एवरेज देखने को मिलेगा किसी भी क्वेश्चन पेपर में, चाहे वो कोई भी फ्रेम कर रहा हो। ठीक है, तो फटाफट से आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। और मैंने आज आपको एक मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टिप्स भी दिया था टेलीग्राम चैनल पे अपने, और एक बार टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे शेयर कर दो। और मैंने आपको ये बताया था कि आपका प्रिपरेशन का एक और तरीका है कि आप अपने क्वेश्चंस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और उस फ्रेंड्स जिससे भी आपने क्वेश्चंस को शेयर किया है वो डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का एक पर्टिकुलर व्यू आपको देगा, उससे भी आपका काफ़ी सारा प्रैक्टिस जो है वो होता रहेगा। लेकिन आपको केयर करना है जब भी इस तरीके का फ्रेंड्स ग्रुप बनाए, ठीक है, मैं अभी जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि फ्रेंड्स के साथ ही इंडल्ज रहो, आप अपने लिए पहले टाइम निकालो, आप अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पूरा कंसेप्ट बना लो, उसके बाद कुछ समय आप अपने ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए निकालो। ऐसा नहीं कि दिन भर आप लगे रहे एक फ्रेंड्स ग्रुप में और उसमें ही सारा कुछ करते रहे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अतानु दे, हार्टली रिक्वेस्ट फॉर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस सर, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं हर टॉपिक लूंगा फॉरवर्ड रिवर्स। अभी अपन कहाँ चल रहे कोई बता सकता है? अभी आप हम लोग किस टॉपिक पे चल रहे हैं? अभी हमारा जो एनालिसिस वो किस पर्टिकुलर टॉपिक में पहुंचा है, प्रीवियस सेक्शन से आप देख सकते हो, तो उससे आपको पता चलेगा कि मैं किस पेज पे चल रहा हूँ, कैसा चल रहा हूँ। तो इंट्रैक्ट कर रहा हूँ, यस सर एग्जैक्टली, द स्लोप वाला क्वेश्चन इन 2020 वॉज ए ग्रेट क्वेश्चन। यस डेफिनेटली, हर क्वेश्चन जो है वो ग्रेट क्वेश्चन है। अभी हम लोग चल रहे हैं आईसी फैब्रिकेशंस पे, है ना, और उसके साथ साथ मैं एक और टॉपिक प्रीवियस वीडियो में आपको कराया था, वो है डिफ्यूजन पोटेंशियल का। तो मैं थोड़ा सा इस पे पूरा अपना थ्योरी कंप्लीट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो क्वेश्चन के रूप में काफ़ी सारी थ्योरीज भी आपको बता रहा हूँ, नए फार्मूलाज भी आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, हम उसी फीलिंग के साथ चलते हैं, तो देखते हैं कि आज आपको क्या नया पता चलता है। ठीक है, तो आज आपको जो नया पता चलने वाला है उस पर भी ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पिछले बार आपने को क्या नया पता चला था, वहाँ से चालू करते हैं। तो पिछली बार एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए, हर सेशन एक नया सेशन ज़रूर हो लेकिन वो प्रीवियस सेशन से कुछ ना कुछ तरीके से कनेक्ट हो तो बड़ा मज़ा आता है। तो प्रीवियस में आपने ये वाला क्वेश्चन देखा था, जो भी यहाँ पे उपस्थित है, जो भी मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो बताइए ये क्वेश्चन आपने देखा था क्या, और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आया था, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूरे क्वेश्चंस को पढ़िएगा और उसके बाद आप देखिएगा, बताइएगा मुझे कि ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने क्या लिखा था और उसके पीछे का रीज़न क्या था। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बता दीजिए। सौरभ दुबे भी आ गया है,
सचिन सी, सक्षम सी, यस सी, अंशुल ठाकुर यस सर ए। देखो अंशुल, आपने ना प्रीवियस वाला मेरा जो वीडियो है वो नहीं देखा है, इसलिए मैं आपसे प्रीवियस से ही कनेक्ट करना चालू करता हूँ। तो अभी भी आप अगर ए में फंसे हुए हैं तो डेफिनेटली आपके आपके कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे फेवरेबल प्रॉपर्टी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो जो भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम, देखो अक्षत मित्तल आपके भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। आपको बातें जो है पिछले वीडियो को आपने या तो अटेंड नहीं किया है या तो आपका खुद का कंसेप्ट बिगड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप आंसर बी बता रहे हैं, है ना? आंसर बी बता रहे हैं बिकॉज सर इट इजली ऑक्साइड सिलिकॉन इजली लिखना चाह रहे थे शायद। यस सचिन डे, आपका भी आंसर सही है। तो काफी लोगों ने आंसर किया सी, अक्षम ने बोला पावर एरिया प्रोसेसिंग टाइम, ये कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया था। सक्षम अरोरा, ये आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का। आप प्रॉपरली सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे कि हम टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी किस वे में हम बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी पिछले वाले टेक्नोलॉजी से उमदा है या फिर अच्छा है, तो उस वे को अगर हम लोग देखें तो वो है पावर एरिया और प्रोसेसिंग टाइम। ये अगर हमारा बढ़िया है तो हमारा सिस्टम अच्छा है, कम पावर कंज्यूम करे, प्रोसेसिंग टाइम उसको कम लगे और एरिया उसका कम हो, तीनों चीज़ें अगर कम हो तो डेफिनेटली हम उस सिस्टम को बहुत अच्छा बोलते हैं। और यही सिस्टम हमको मोबाइल में, हमारे कैमरे में, हमारे लैपटॉप में, हमारे होम अप्लायंसेस में, हर जगह यही चाहिए रहता है कि हमारा एरिया कम लगे घर का, पावर जो हमारा घर का कंज्यूम हो रहा है वो कम कंज्यूम हो और फटाफट से हम जो भी उसको वर्क बोल रहे हैं वो अपने टास्क को फटाफट से कर दे। जर्मेनियम इज नॉट एबल टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, यस डेफिनेटली दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंसर एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन फॉर वाइड स्प्रेड यूज ऑफ सिलिकॉन इन सेमीकंडक्टर डिवाइस टेक्नोलॉजी। सो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर इज हियर वी आर हैविंग द आंसर इज सी, सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो फटाफट से इसको, इस सेशन को शेयर कर दो और मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आपको, आप हमसे पूछते रहते हैं कि कब आप नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं तो डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन और बेल आइकन, तो नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप उसका केयर करेंगे। तो जो लोग भी यहाँ पे नए आए हैं जिनको आंसर नहीं पता है वो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि कब कौन आ रहा है, ये देखने को आपको नोटिफिकेशन के रूप में पहले से मिल जाए। बहुत ही अच्छा सेशन अभी चल रहा है, पूरे गेट एकेडमी के सारे फैकल्टीज आपको बहुत सारा नॉलेज दे रहे हैं और जो कि बहुत एडवांटेजियस है। हम लोग कन्वेंशनल वे से नहीं चल रहे हैं, हम एक नया थ्योरी पकड़ते हैं जब भी हमारा सेशन चलता है, तो डेफिनेटली आप उसका एडवांटेज लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको गेट एकेडमी में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? यस सर, कंसेप्ट बिहाइंड दिस आंसर इज ड्यू टू प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो काफी लोगों ने पकड़ लिया है, टू फैब्रिकेट द डिवाइस ऑक्सीडेशन इज रिक्वायर्ड विच इज अवेलेबल इन सिलिकॉन, आंसर सिलिकॉन फ्रॉम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यस। तो यहाँ पे गोवर्धन सेट्टी भी आ चुके हैं, आप अगर नए आए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो काफी लोगों को ये बात क्लियर हो गया कि किसी भी टेक्नोलॉजी को फैब्रिकेट करने के लिए हमको सिलिकॉन डाइऑक्साइड की नीड पड़ती है और उसी वजह से हम इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर सी बोल रहे हैं। और जर्मेनियम सिलिकॉन, जर्मेनियम कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होता, तो हमको जर्मेनियम ऑक्साइड बनाने का मौका नहीं मिलता। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है? तो ये फीलिंग हमारा प्रीवियस वाला था जो कि आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन था, 2005 में उन्होंने पूछा था और काफी लोग इसका आंसर ए लगा के आए थे जो कि गलत था। तो फीलिंग में चलते हैं हम लोग, यहाँ पे उसी फीलिंग के साथ एक क्वेश्चन ले लिए, ऐसा देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और अब आप बताइए कि आपको फीलिंग सेम लग रही है, आंसर क्या है, फीलिंग सेम लगेगी आपको, आंसर क्या है। आप क्वेश्चन की टर्मिनोलॉजीज को भी पढ़ना, आंसर में क्या दिया हुआ है उसको भी पढ़ना, उसके बाद आप अपना प्रिफरेंस सेट करना कि यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या क्या चीजें चेंजेस मैंने क्वेश्चन में किया है सेम फीलिंग में, क्योंकि हर साल क्वेश्चन जो है वो नए फॉर्म में आता है। तो मैं हमेशा ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रीवियस का क्वेश्चन भी दिखाऊं जो पूछा गया था, उसका एनालिसिस भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से दूं और एक नया क्वेश्चन भी आपके सामने पेश करूं जो कि आईआईटी के फीलिंग वाला क्वेश्चन है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे
चार ऑप्शंस क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4 लिख दिया है, चार पॉइंट्स। तो डेफिनेटली यहाँ पे सिलिकॉन रॉ इज अबेंडेंट ऑन अर्थ ऐसा लिखा गया है, तो आप बताइए। तो यहाँ पे कुंदन सिंह ने बोला 4, अभिषेक कानीगिरी ने बोला 4, मतलब 4 इज द आंसर, राहुल कुमार यादव ने बोला 4, सुमित सिंह ने बोला 4, अभी शर्मा ने बोला डी, यस यस डी फोर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है सेकेंडरी रीजन व्हाई सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर जर्मेनियम फॉर डायोड कंस्ट्रक्शन। हमको इसके पहले के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमको यहाँ पे प्राइमरी रीजन लिखना था, हमको यहाँ पे क्या लिखना था, हमको यहाँ पे प्राइमरी रीजन लिखना था। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी रीजन खोजा किसके लिए, सेमीकंडक्टर डिवाइस टेक्नोलॉजी के लिए। प्राइमरी रीजन खोजा किसके लिए, सेमीकंडक्टर डिवाइस टेक्नोलॉजी को फैब्रिकेट करने के लिए, जिसमें हमको जरूरत पड़ता है सिलिकॉन का लेयर, उसके ऊपर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर। फीलिंग चेंज करते हैं यहाँ पे, देखिए अब हमको क्या करना है, सेकेंडरी रीजन खोजना है, प्राइमरी रीजन नहीं, हमको सेकेंडरी रीजन खोजना है किसके लिए, एक जर्मेनियम के डायोड के सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम के डायोड के कंस्ट्रक्शन के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन के थ्रू हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे, ठीक है, काफ़ी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत लोग डी आंसर कर रहे हैं, 4 आंसर कर रहे हैं, मीनिंग सेम है। अगर मैं फीलिंग को चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं सेकेंडरी के बजाय, इसको काट दिया, सेकेंडरी के बजाय यहाँ पे लिख दूँ, मैं यहां पे लिख दूं प्राइमरी, अगर मैं यहां पे सेकेंडरी की बजाय प्राइमरी लिख दूं, मुझे उन लोगों का भी यहां पे कंसर्न चाहिए जो लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हैं और आंसर नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए हैं और आंसर नहीं कर पाए हैं, तो दोनों का मुझे कंसर्न चाहिए, दोनों का आंसर चाहिए, किसी एक का नहीं, कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है तो आप आंसर कर रहे हैं। तो आप मुझे आंसर कैसे करेंगे, प्राइमरी लिख के यहां से ऑप्शंस में से एक ऑप्शन खोजेंगे और सेकेंडरी लिख के ऑप्शन में से एक ऑप्शन खोजेंगे। तो प्राइमरी का रीजन आप मुझे दे सकते हैं, प्राइमरी लिखिए 1, 2, 3, 4 में से एक लिखिए, और सेकेंडरी लिखिए फिर से 1, 2, 3, 4 में से एक लिखिए, तो कनेक्टिविटी मिल जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। ठीक है, मुझे वही पता करना रहता है इनिशियली, और उसके बाद तो मेरा एनालिसिस धूमधड़ाम से चलेगा ही, तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि मैं कैसा बोल रहा हूँ। तो मुझे प्राइमरी लिख के एक आंसर दीजिए और सेकेंडरी लिख के एक आंसर दीजिए। सेकेंडरी प्राइमरी के लिए कुणाल ने लिखा है 1 और सेकेंडरी के लिए 4, बस कुणाल ने जैसा लिखा है उसको ही फॉलो कीजिए। प्राइमरी का एक आंसर दीजिए, सेकेंडरी का एक आंसर दीजिए। ऑप्शन 2 सर जोशी, मुझे ऐसा आंसर नहीं चाहिए। मार्गी मिश्रा, प्राइमरी के लिए 1, सेकेंडरी के लिए 4। सो सौरभ दुबे, प्राइमरी के लिए 1, सेकेंडरी का आता पता नहीं है। अविनाश, प्राइमरी के लिए 1। अभिषेक सिंह, प्राइमरी के लिए 1। सौरभ दुबे, सेकेंडरी के लिए 4, मतलब प्राइमरी के लिए 1, सेकेंडरी के लिए 4। निविदिता राय, प्राइमरी के लिए 3 और सेकेंडरी के लिए 4, बहुत बढ़िया। और अभिषेक सिंह 4 सेकेंडरी के लिए, प्राइमरी के लिए 1, सेकेंडरी के लिए 4, प्राइमरी के लिए 1, सेकेंडरी के लिए 4 फॉर सक्षम अरोरा। अभि शर्मा, प्राइमरी के लिए 3, सेकेंडरी के लिए 4, बहुत बढ़िया, आप लोग बढ़िया चल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस तरीके से मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं और आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए गेट में जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो कितने चालाक है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिए तो आंसर भी चेंज हो जाता है। अब जिनको ये लग रहा है, मेरी बात अब सुनेंगे, राहुल प्राइमरी 1 सेकेंडरी 4 बिकॉज एनर्जी गैप इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, देखिए आप ना अपने से आंसर कीजिए, ऊपर के लोग जो आंसर किए हैं उसको ना मत फॉलो कीजिए, किसी को पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ, सभी के लिए है ये। आप ना खुद से सोचिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या बोल रहा है, कोई मुझे ऐसा क्लिक कर दे, कोई मुझे इसमें से ऐसा क्लिक, क्योंकि सभी का आंसर गलत है, सभी का आंसर गलत है। कोई मुझे इंसान, देखिए पूरे लोग एक साथ गलत आंसर कर रहे हैं, पूरे लोग एक भी सही आंसर नहीं कर रहा है, ये बड़ी अजीब बात है। जैसे ही मैं इसको प्राइमरी वर्ड लिखा, पूरे लोग एक साथ गलत आंसर कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आपको ये एनालिसिस देना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो नॉलेज है और मेरे नॉलेज में डिफरेंस है। और सोचिए आईआईटी के प्रोफेसर का नॉलेज और उसका थॉट प्रोसेस क्या होता होगा, वो किस तरीके से आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम के ड्यूरेशन में, और किस तरीके से आपसे गलत आंसर पुटअप करवा सकता है।
जैसे अभी अभी आप सभी लोग कर रहे हैं, प्राइमरी भी फोर है सर, तो प्राइमरी भी फोर, सेकेंडरी भी फोर, दोनों के लिए फोर, परनीत ने बोला। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट से शेयर कर दीजिए इसको, और मुझे मैक्सिमम लोग यहाँ पे दे दीजिए ताकि इसका बहुत बढ़िया सा एनालिसिस आपको दूँ। तो मोस्टली सिलिकॉन इज रिवर्स सैचुरेशन करेंट इन नैनो एम्पेयर एंड इन माइक्रो एम्पेयर, सो इट्स बी। देखिए बी भी आ गया, तो कोई लोग वन बोल रहे हैं, कोई लोग टू बोल रहे हैं, कोई लोग थ्री बोल रहे हैं, कोई लोग फोर बोल रहे हैं। तो देखिए ऐसा थॉट प्रोसेस आप लोग के अंदर है जब एक क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जाता है, तो ठीक है। तो हम समझते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हम सेकेंडरी रीजन और प्राइमरी रीजन दोनों एक साथ निकालेंगे, ठीक है। मैं दोनों को एक साथ निकालूंगा, देख लेता हूं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सिलिकॉन को क्यों प्रिफर किया जाता है जर्मेनियम के कंपैरिजन में, जब हम किसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, जब हम डायोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहां पे मैं लगा देता हूं मैं एक स्टार, जब हम डायोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहां पे डिवाइस टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा है कि कोई भी डिवाइस, यहां पे एक स्पेसिफाइड डिवाइस की बात कर रहा है कि डायोड बनाने के टाइम में आप क्यों सिलिकॉन को प्रिफर करते हैं, क्यों जर्मेनियम को प्रिफर नहीं करते हैं, क्यों जर्मेनियम को प्रिफर नहीं करते हैं, गर्मी लग रही, क्यों जर्मेनियम को प्रिफर नहीं करते हैं, तो आपको ये रीजन बताना है, ठीक है। तो सिलिकॉन एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ सिलिकॉन इज लेस देन जर्मेनियम, सिलिकॉन इज। तो देखते हैं कौन से पॉइंट में वो सही बोल रहा है, कौन से पॉइंट में वो गलत बोल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास है सिलिकॉन एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, तो मैं साइड में लिखता जाता हूँ एक एक करके, क्या ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है ये फाइंड आउट करते हैं। एनर्जी गैप अगर मैं सिलिकॉन का लिखूं तो ये ग्रेटर है एनर्जी गैप जर्मेनियम से, ये ऐसा मैं ऐसा लिख देता हूं। ध्यान दीजिएगा क्या लिख रहा हूं मैं, आप बताइएगा ये सही बोल रहा है, इज दिस करेक्ट, क्या ये सही रीजन है कि सिलिकॉन का एनर्जी गैप जर्मेनियम से ज्यादा है। यस, अगर हम यहाँ पे 300 केल्विन में देखें, देखिए सभी लोगों ने आंसर गलत दिया है, 300 केल्विन में देखिए, इसलिए मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है, मुझे यहाँ पे इतने साल से पढ़ाने के बाद ये पता है कि आप लोग को ये नहीं आता, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को फ्रेम करता हूँ, खुद से करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे आपकी माइंड की जो स्टेटस है वो पता चल गया है इतने सालों से पढ़ाने से। तो यहाँ पे एनर्जी गैप की बात करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी गैप हमारे पास 300 केल्विन में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विच इज ग्रेटर देन 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि जर्मेनियम का है। इसका मतलब है ये जो पार्ट है ये पहले के लिए है, ठीक है। अब मैं सेकेंड के लिए इधर पे लिखता हूँ, पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम। कितने लोग यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज की कहानी मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे वो भी देख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि वोल्टेज की एक वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, वो ये बोल रहा है कि सिलिकॉन का ज़्यादा है। ये अगर सिलिकॉन के लिए सोचे तो सिलिकॉन का पीक इनवर्स वोल्टेज जो है वो जर्मेनियम के पीक इनवर्स वोल्टेज से ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिख दिए जर्मेनियम। तो क्या ये सही है, इज दिस करेक्ट कि सिलिकॉन का पीक इनवर्स वोल्टेज जर्मेनियम के पीक इनवर्स वोल्टेज से ज़्यादा है। फाउंडेशन जोशी जो बोल रहे हैं 1, 2, 4 किसके लिए, ऑप्शन 1, 2, 4 किसके लिए, कौन से प्राइमरी की सेकेंडरी, आंसर को आप चेंज करते रहेंगे, मेरे से बात करते रहेंगे, अल्टीमेटली आपके सारे आंसर जो है वो मेरे तरीके से हो जाएगा। मैक्सिमम वोल्टेज डेट कैन बी अप्लाइड इन रिवर्स बायस विदाउट ब्रेकडाउन, डेफिनेटली आदर्श गर्ग आपने बहुत ही उमदा आंसर किया है। आपने आप मुझे बताया कि पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, पीक का मतलब होता है यहाँ पे अगर हम लोग कनेक्ट करें, पीक को आप समझ लीजिए, यहाँ पे आप समझ लीजिए पीक क्या होता है। तो ये जो है ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे, पीक का मतलब होता है ये हमारे पास पीक है, इसका मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम। और इनवर्स का मतलब यहाँ पे हो गया, ये हो गया इनवर्स, इसका मतलब है रिवर्स, इनवर्स का मतलब हो गया रिवर्स। और वोल्टेज का मतलब आप जानते हैं कि ये एक पोटेंशियल है, ये तो सभी को पता है कि ये पोटेंशियल है। तो ये एक ऐसा पोटेंशियल है जो कि आप किसी भी डायोड में, आप जानते होंगे आप किसी भी डायोड में लगा सकते हैं एक्सटर्नली। तो यहाँ पे हम एक डायोड भी बना देते हैं, सेकंड पॉइंट पे हम एक डायोड बना देते हैं यहाँ पे और देखते हैं। ये मैंने एक डायोड बना दिया, कुछ इस तरीके का सिंबल है, और इसमें मुझे रिवर्स बायस लगाना है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव,
क्योंकि ये इसका पी रीजन है, ये एन रीजन है। तो ये डायोड जो है, जब भी हम रिवर्स बायस लगाते हैं तो ये डायोड जो है वो ब्रेकडाउन में चला जाता है। लेकिन ब्रेकडाउन पे जाने से पहले आप इसमें कितना वोल्टेज लगा सकते हैं ताकि ये ब्रेकडाउन पे ना जाए, इसका मतलब है आप मैक्सिमम वोल्टेज कितना इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिफोर ब्रेकडाउन। तो इन स्टेटमेंट में बोलूं तो पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज एट विच द डायोड कैन विदस्टैंड, मतलब डायोड जो है वो ब्रेकडाउन पे नहीं जाएगा, डायोड बर्न नहीं होगा। या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि पीक इनवर्स वोल्टेज इज द मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड सेफली अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड। बहुत ही बढ़िया है। और इस पीक इनवर्स वोल्टेज का ना बहुत ही अच्छा यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट, हम भी यूज करते हैं इसको, फाइंड आउट करते हैं। जब हम सबसे ज्यादा यूज इसका होता है जब हम डायोड में रेक्टिफायर का टॉपिक पढ़ते हैं, तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज यूज होता है। तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज हमको कहां से पता चलता है? ये पीक इनवर्स वोल्टेज एक्चुअली आपके स्पेसिफिकेशन शीट में दिया हुआ होता है, या फिर आपको प्रैक्टिकल करके पता लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल करेंगे तो डायोड तो उड़ जाएगा क्योंकि वो बर्नआउट हो जाएगा, आपने गलती से ब्रेकडाउन वोल्टेज के ऊपर लगा दिया। तो इसलिए हमारी सेफ्टी के लिए जो भी कंपनी, मोटोरोला जैसी कंपनी जब डायोड बनाती है तो वो एक स्पेसिफिकेशन शीट मॉडल नंबर के साथ अटैच करती है कि इस मॉडल नंबर का ये पर्टिकुलर पीक इनवर्स वोल्टेज है। तो हमको पहले से बता दिया जाता है कि ये वोल्टेज आप सेफली डायोड में लगा सकते हो, और इसके ऊपर का वोल्टेज अगर आप लगाते हो तो डायोड जो है वो ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन हम तो ठहरे इंजीनियर, हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, डायरेक्टली कोई भी वोल्टेज लगा देते हैं, क्योंकि हम थ्योरेटिकल इंजीनियर है, हम प्रैक्टिकल इंजीनियर नहीं है। इंडिया में प्रैक्टिकल इंजीनियर की संख्या है जीरो, कोई भी नहीं। जब तक कोई कंपनी में काम नहीं करता, कोई भी इंजीनियरिंग प्रैक्टिकली नहीं सीखता इंडिया में। वो सारे लोग कैसा सीखते हैं? थ्योरेटिकल सीखते हैं, स्पेसिफिकेशन शीट या मॉडल नंबर का नाम ले दो तो खत्म हो जाते हैं सभी लोग। तो एक 1N4007 में अगर हम जाने तो स्पेसिफिकेशन शीट में आपको मिलेगा कि 50 वोल्ट तक आप उस पर लगा सकते हो, जो बहुत लार्ज होता है। तो इसी वजह से हम सेफली उसमें वोल्टेज लगाते हैं। तो ये हो गया पीक इनवर्स वोल्टेज। आपको ये आइडिया हो गया कि ये स्पेसिफिकेशन शीट में रहता है, जो कंपनी बनाती है उसके मॉडल नंबर में ऐसा होता है। ऐसे मत कहो सर, यस नहीं कहेंगे। अगर आपके पास नॉलेज है तो नहीं कहेंगे। रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ सिलिकॉन इज लेस देन जर्मेनियम। अब ये बात कर रहे हैं रिवर्स सेचुरेशन करंट का। रिवर्स सेचुरेशन करंट हम यहां पे बात करते हैं जो कि हमारे पास आई नॉट है, ये हो गया सिलिकॉन का। ये बोल रहा है कि ये लेस है, किससे? रिवर्स सेचुरेशन करंट आई नॉट किसके लिए? जर्मेनियम से। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग पुट करें तो सिलिकॉन में हम ये जानते हैं कि रिवर्स सेचुरेशन करंट का ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पेयर है, और जर्मेनियम में हमारे पास रिवर्स सेचुरेशन का ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पेयर है। इसको भी आपको याद रखना है। तो डेफिनेटली नैनो एम्पेयर इज लेस देन नैनो माइक्रो एम्पेयर, तो ये जो थ्योरी है ये भी सही है। तो मुझे ये दिख रहा है कि सारी बात तो सही कही गई है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि हमको पता है कि सिलिकॉन जर्मेनियम से, सिलिकॉन में एनर्जी गैप जर्मेनियम से ज्यादा होता है। ये देखिए वैल्यूज, हमको ये भी पता है कि पीक इनवर्स वोल्टेज सिलिकॉन में जर्मेनियम से ज्यादा होता है। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको होनी चाहिए, और तीसरा ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज है जिसमें ये बोल रहा है कि रिवर्स सेचुरेशन करंट सिलिकॉन का आपका रिवर्स सेचुरेशन करंट जर्मेनियम से ज्यादा है। आप इसको याद भी कर सकते हैं एक एनालॉजी लेके। आप जब सिलिकॉन को लिखते हैं तो आप एन लास्ट में आता है, इसी के ऑर्डर में, ये हो गया नैनो एम्पेयर। और अगर आप जर्मेनियम को लिखते हैं ऐसा, जिनको याद नहीं है उनको याद करना चाहिए कहीं किसी ना किसी तरीके से, ये हो गया एम आ गया, तो यहाँ पे आप लिखिए दिस इज माइक्रो एम्पेयर। ये इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं, यहाँ से मैंने एम से पकड़ा है। तो शुरू शुरू में जब हम पढ़ना चालू करते हैं ईडीसी ना, ये सब चीज़ें इतनी सारी हो जाती है कि याद नहीं रख पाते उस समय। ये सब जो थ्योरी है, छोटी छोटी जो एनालॉजी हम क्रिएट करते हैं, छोटा छोटा ट्रिक जो ये क्रिएट करते हैं अपने तरीके से, वो काफ़ी बार हमको सपोर्ट करता है जब एग्जाम हॉल के तीन घंटे के ड्यूरेशन में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, जब हमारे पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के फार्मूलाज दिमाग में भरे हुए रहते हैं। तो बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद सिलिकॉन रॉ इज एबंडेंट ऑन अर्थ। हमको पता है कि सिलिकॉन जो है वो रेत के रूप में या फिर सैंड के रूप में बहुत सारा अवेलेबल है, तो उसी को हम एबंडेंट रॉ मटेरियल बोलते हैं। सिलिकॉन का रॉ मटेरियल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में या फिर सिलिका के रूप में काफ़ी सारा अवेलेबल है।
तो आप अगर देखेंगे कि एक डायोड के सारी सारी थ्योरी डायोड की है और ये सारी थ्योरी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। अब ये जो सिलिकॉन है जिसका एनर्जी गैप ज्यादा होने से हमको एक एडवांटेज मिलता है, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, आपको पूरी बात पता होनी चाहिए, आप सभी लोग आंसर गलत दे रहे थे, याद रखिएगा, है ना। यहां पे हमको एक एडवांटेज मिलता है, क्या एडवांटेज मिलता है आपको पता है? ये एक एडवांटेज मिलता है कि हम टेम्परेचर के, क्योंकि इसका एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा होने से क्या एडवांटेज मिलेगा कि आपका लोअर बैंड, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा या फिर ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली हम ये बोल सकते हैं कि एक सिलिकॉन जो है वो कंडक्ट करने के लिए हमारा टेम्परेचर स्टेबिलिटी ज्यादा देता है, क्योंकि वो लो टेम्परेचर में इजिली इजिली अनस्टेबल नहीं होता। इसका मतलब है लो टेम्परेचर में थोड़ा बहुत टेम्परेचर के चेंज होने से सिलिकॉन अनस्टेबल नहीं होता। इसका मतलब है हम ये यहाँ पे एडवांटेज के रूप में लिखते हैं तो ये हमको अच्छा थर्मल स्टेबिलिटी देता है। इस बात को कितने लोग समझ पाए हैं, क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्टकट तरीके से इस बात को बता दिया है, ये हमको अच्छी थर्मल स्टेबिलिटी देता है। कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि पहला जो है जिसमें हमको ये पता चल गया कि एनर्जी गैप सिलिकॉन का जर्मेनियम से ज़्यादा है, इस बात को एडवांटेज के रूप में कैसे लेंगे कि हमको सिलिकॉन का मटेरियल थर्मल स्टेबिलिटी देता है। क्लियर है? फटाफट क्लियर हो जाएगा आपको सारी बात। तो दूसरा जो है ये बोल रहा है थर्मल स्टेबिलिटी मतलब टेम्परेचर के साथ सिलिकॉन जो है वो ज्यादा स्टेबल है और हमको स्टेबल मटेरियल ही चाहिए रहता है। दूसरा, पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन इज ग्रेटर देन जर्मेनियम। इसका मतलब है जब आप रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो सिलिकॉन जो है वो लेट में ब्रेक डाउन होगा, बाद में ब्रेक डाउन होगा, पहले जर्मेनियम ब्रेक डाउन हो जाएगा, जर्मेनियम पहले बर्नआउट होगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग किसी डिवाइस को रिवर्स बायस क्यों करते हैं बिफोर ब्रेक डाउन, उसको स्विच ऑफ करने के लिए, क्योंकि रिवर्स बायस में डायोड ऑफ हो जाता है और बेसिकली डायोड का एप्लीकेशन स्विच के लिए है। तो स्विच में हम अगर रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो डायोड ऑफ कंडीशन में सिलिकॉन के केस में ज्यादा देर रहेगा, ज्यादा वोल्टेज होने पे भी सिलिकॉन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, लेकिन जर्मेनियम इजली ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब हमको क्या है, जब हम स्विच बनाएंगे रिवर्स बायस में, एक्चुअली स्विच के लिए यूज किया जाता है ऑफ स्विच में, तो जब हम स्विच बनाएंगे तो ये हमको ऑपरेशन का रेंज ज्यादा देगा। क्या ज्यादा देगा? ऑपरेशन रेंज, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड में किस वोल्टेज तक आप सिलिकॉन डिवाइस में वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो और पॉजिटिव से लेके नेगेटिव में जर्मेनियम में कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हो, वो एक रेंज ऑफ वोल्टेज होता है। तो सिलिकॉन जो है हमको ज्यादा रेंज देता है वोल्टेज अप्लाई करने का कंपैरिजन टू जर्मेनियम। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये हमको बेटर, इसका एडवांटेज क्या है, ये बेटर हमको ऑपरेशन रेंज देता है, ऑपरेशनल रेंज जो है इसका ज्यादा है, तो ये ऑपरेशन रेंज जो है ये मेरे को मस्त देता है, ये मैंने लिख दिया है ना। तो ये भी एक एडवांटेज है सिलिकॉन का। तीसरा क्या है, रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ सिलिकॉन इज लेस देन जर्मेनियम। ये भी सही है। और रिवर्स सेचुरेशन करंट का लेस होने का फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये हमको बेटर थर्मल, ये हमको, क्योंकि रिवर्स सेचुरेशन करंट बेसिकली किस पे डिपेंड करता है आप बताइए ना, ये रिवर्स सेचुरेशन करंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये रिवर्स बायस पे डिपेंड करता है या फिर और कोई पैरामीटर है जिसपे ये डिपेंड करता है? थोड़ा सा इंटरेक्ट में कर लेता हूँ आपसे, आपसे इंटरेक्ट करता हूँ तो मुझे आपके माइंड को स्टडी करने का समय मिलता है। तो मुझे ये बताइए कि ये रिवर्स सेचुरेशन करंट का जो मैग्नीट्यूड है ये किस पे डिपेंड करता है? पूरा बेहतरीन नॉलेज दूंगा मैं आपको आज के सेशन में, और ही उमदा नॉलेज आपको मिलेगा। जीना डायोड कहाँ से बीच में आ गया? जीना डायोड को नहीं लाना है सौरभ दुबे, अभी जीना डायोड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जीना डायोड एक स्पेशल डायोड है जो स्पेशल पर्पस में बनाया जाएगा और ये इन सब डायोड के ऊपर की बात है। जीना डायोड ब्रेकडाउन में भी काम करता है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं ब्रेकडाउन में बर्नआउट हो जाता है। यस, लेस नॉस लॉस नॉइसी, नहीं ये सब चीजें हमको नहीं करना है अभी, है ना। यहाँ पे बात करनी है जो सब लोग, आदर्श ने आंसर किया, निवेदिता ने आंसर किया और कुंदन ने आंसर किया, कुणाल ने आंसर किया, ये सारे लोग बहुत ही बेहतरीन आंसर किए हैं। राहुल कुछ नई बात कर रहे हैं, एनर्जी गैप इज इक्वल टू के टी एल एन एन आई स्क्वायर एन सी एन ए सिलिकॉन टेम्परेचर ग्रेटर इन जर्मेनियम। नहीं, इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड भाषा नहीं सुनना है अभी मेरे को, कॉम्प्लिकेशंस की बात मैं आगे जाके करूंगा राहुल, आज ही करूंगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें आपके सामने फेंकूंगा मैं। टेम्परेचर पे, यस, मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछा था कि ये रिवर्स सेचुरेशन करंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे।
इसका मतलब है अगर मैं बोलूं कि सिलिकॉन डायोड जो है वो एक अच्छा स्विच की तरह एक्ट कर सकता है। ये कब पॉसिबल है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाएं और रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू कम है। स्विच कौन होता है? स्विच वो होता है जब आप रिवर्स बायस करें डायोड को, तो करंट का मैग्नीट्यूड आइडियली नहीं होनी चाहिए। मेरी बात सुनना ध्यान से, दो पॉइंट्स बस बोलूंगा मैं कि एक एक पर्टिकुलर डिवाइस डायोड स्विच की तरह एक्ट करता है। इसका मतलब है आइडियली वो स्विच कब होगा? जब रिवर्स बायस में उसके करंट फ्लो ही ना हो, तभी तो स्विच बोलेंगे। रिवर्स बायस में ओपन सर्किट मतलब स्विच। अब दोनों में से, सिलिकॉन और जर्मेनियम में से, दोनों में से कोई भी ओपन सर्किट नहीं हो रहा है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, एक में नैनो एम्पेयर एक में माइक्रो एम्पेयर। इसका मतलब है जब हम जीरो से कंपेयर करें तो जीरो आइडियली होना चाहिए। उसके बाद हम किसको रखेंगे? उसके बाद डेफिनेटली हम रखेंगे कि सिलिकॉन, क्योंकि उसमें 10^-9 फ्लो हो रहा है। उसके बाद हम रखेंगे जर्मेनियम को, क्योंकि उसमें 10^-6 फ्लो हो रहा है। तो सभी लोगों ने आंसर सही किया कि रिवर्स सेचुरेशन करंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रिवर्स सेचुरेशन करंट रिवर्स वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा, ये जब हम इसको स्विच की तरह यूज करेंगे तो जिसका रिवर्स सेचुरेशन कम है वो अच्छा या फिर उमदा स्विच की तरह काम करेगा, क्योंकि आइडियली हमको रिवर्स बायस में करंट का वैल्यू जीरो चाहिए। तो जिसका रिवर्स सेचुरेशन करंट कम है, आइडियल से नजदीक है, वो अच्छा स्विच है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इससे भी हमको एक एडवांटेज मिला। ये मेरा पहला एडवांटेज था, ये दूसरा एडवांटेज था, इससे भी हमको एक एडवांटेज मिला। क्या वो एडवांटेज है? कि ये एक बेटर स्विच है, ये एक बेटर स्विच है। कौन? सिलिकॉन एक बेटर स्विच है। तो ये भी पॉइंट सही है, रिवर्स सेचुरेशन करंट, क्योंकि ये भी एडवांटेज है, क्योंकि हम ये पता कर रहे हैं कि सिलिकॉन को क्यों प्रिफर किया जाता है। तो ये भी पॉइंट सही है कि इस वजह से भी प्रिफर किया जा सकता है, इस वजह से भी किया जा सकता है, इस वजह से भी किया जा। और लास्ट वाला पॉइंट भी सही है। अब इसमें हमको प्राइमरी और सेकेंडरी, आप लोग जो लोग लिख रहे हैं वो सारी चीज लिख चुके होंगे, क्योंकि बहुत देर में आपसे बात कर लिया। तो मैं क्या इस पार्ट को क्लियर कर दूं? यस और नो? थिनस देन सिंपली टेम्परेचर? सर यस, टेम्परेचर। क्या ये पार्ट को क्लियर कर दूं? काफी सारी बातें मैंने यहाँ पे की और काफी सारी चीजें। अब मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें प्राइमरी रीजन क्या है और सेकेंडरी रीजन क्या है। जब आप डायोड कंस्ट्रक्ट करेंगे और आपके पास दो चीजें हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो यहाँ पे मैंने क्लियर किया ये बोर्ड, और अब मैं यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी रीजन खोज देता हूँ। तो ये जो पार्ट है, यहां से जो लास्ट वाले जो ऑप्शन है, ये है मेरा प्राइमरी रीजन कि सिलिकॉन जो है वो एबेंडेंट रॉ मटेरियल है ऑन अर्थ, जिसकी वजह से सिलिकॉन से बना हुआ जो चीज है वो चीप होता है, वो सस्ता होता है, क्योंकि वो जर्मेनियम इजली अवेलेबल नहीं है और सिलिकॉन इजली अवेलेबल है। तो ये हो गया मेरा प्राइमरी रीजन। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये हो गया। मैंने सेकेंडरी रीजन आपसे पूछा था, ये जो है ये सेकेंडरी रीजन पूछा था। तो आप एक डायोड अगर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप उसके ऑपरेशन को देखेंगे, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी को देखेंगे, उसके ब्रेकडाउन को एनालिसिस करेंगे, तब जाके आप किसी को डायोड बना सकते हैं। तो मैंने बड़े ही शानदार तरीके से यहाँ पे तीन रीजन बताया है जो कि डायोड बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों में हमको डायोड के ऑपरेशन का एडवांटेज मिलता है। तो ये तीनों जो है ये आपका हो गया प्राइमरी रीजन, और ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया इसका सेकेंडरी रीजन। तो जब मैंने सेकेंडरी यहाँ पे लिखा था तो काफी लोगों ने ऑप्शन भी बोला था कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, और जब मैं यहाँ पे प्राइमरी कर देता हूँ तो प्राइमरी में ये तीनों रीजन जो है ये अटैच हो जाएंगे। तो एक एक डिवाइस को फ्रेम करने के लिए जो कि डायोड है, बेसिकली मैं डायोड की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप डायोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और आपके पास दो मटेरियल है सिलिकॉन, तो आप देखेंगे कि डायोड किस किस तरीके से ऑपरेट होता है। फॉरवर्ड बायस में क्या एडवांटेज मिलना चाहिए, रिवर्स बायस में क्या एडवांटेज मिलना चाहिए, टेम्परेचर के साथ डायोड में क्या एडवांटेज मिलना चाहिए, ये सारे को स्टडी करने के बाद आप भी बोलेंगे कि डायोड में प्राइमरी ये सब क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक अच्छा स्विच हो, वो बेटर थर्मल स्टेबिलिटी दे, वो एक अच्छा ऑपरेशन रेंज दे। अगर ये सारा रीजन हमको मिल गया तो उसके बाद हम देखेंगे कि सेकेंडरी हमको कौन मिल रहा है। सेकेंडरी हमको एक सिलिकॉन मटेरियल मिलता है जो कि एबंडेंट रॉ मटेरियल है, और उसमें ऊपर के सारे जो प्राइमरी एडवांटेजेस है वो अवेलेबल है। तो मैं अब सिलिकॉन को सेलेक्ट कर लिया, तो पहले मैं डायोड के ऑपरेशन को स्टडी करूंगा।
तो डायोड के ऑपरेशन को स्टडी करने के बाद मुझे ये सब एडवांटेज चाहिए था, तो मैं इसको प्राइमरी रीजन बनाया और उसके बाद देखा कि ये सभी सिलिकॉन में इजली अवेलेबल है, तो सेकेंडरी रीजन ये कि सिलिकॉन जो है वो एबंडेंट रॉ मटेरियल ऑन अर्थ है। बहुत ही बढ़िया एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने रखा गया था और ये सेम कंसेप्ट पे था जो आपने पहले से एनालिसिस करके रखा हुआ था एक डिवाइस टेक्नोलॉजी का, जो कि आईआईटी बॉम्बे का क्वेश्चन था 2005 का। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने प्राइमरी बोल दिया, सेकेंडरी भी बोल दिया, स्टडी कर लिया कि एक डायोड बनाने में एडवांटेज क्या क्या मिलनी चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी, ऑपरेशन रेंज और रिवर्स बायस में स्विच की तरह। यस, आज मैंने क्लास नहीं लिया बेटा, बता चुका हूं मैं, शेख गौस। ओके, सभी लोग कनेक्ट रहेंगे और सब्सक्राइब करते जाएंगे, बस इतना ही मेरा बोलना है। और ये मैंने एक रीजन बता दिया, आप बताइए कि ये सारे रीजन के साथ आपको ये क्वेश्चन क्लियर है या फिर नहीं है। थोड़ा सा एक्नॉलेज हमको कर देंगे तो डेफिनेटली मैं फिर से फीलिंग के साथ, इसी फीलिंग के साथ आगे बढ़ना चालू कर दूंगा। इफ यू हैव टू चूज ओनली वन फॉर प्राइमरी अमॉन्ग थ्री ऑप्शंस देन व्हिच विल बी द करेक्ट। देखिए कुणाल, जब भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, ये क्वेश्चन तो मैं आपको नॉलेज देने के लिए फ्रेम किया था, तो अगर क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा तो यहाँ पे एक कोई ऑप्शन को क्रिएट करने के लिए वो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी चेंज करेगा। तो अगर आपसे प्राइमरी रीजन पूछ रहा है और सिलिकॉन एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन जर्मेनियम, इस ऑप्शन को करेक्ट रखना है, तो कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा वो भी देख लेते हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन इज लेस, ये लेस कर देगा, ये कट देगा डेफिनेटली। रिवर्स सेचुरेशन करंट ऑफ सिलिकॉन इज मोर, यहां पे मोर कर दिए, ये हट गया। अब यही तो हम एनालिसिस करना चाह रहे हैं। तो अब देखिए आपके पास प्राइमरी रीजन का एक ही आंसर हो गया वन, आप इसी तरीके से टू को भी क्रिएट कर सकते हैं, थ्री को भी क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन फ्रेम हम कर रहे हैं और सपोर्ट किसका ले रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे के क्वेश्चंस का। क्वेश्चन फ्रेम हम कर रहे हैं, सपोर्ट उसका ले रहे हैं। तो ये देखिए, अब देखिए हो गया, आपको अब यही क्वेश्चन पेश किया गया है और यहाँ पे सेकेंडरी को काट के यहाँ पे प्राइमरी लिखा गया है। बहुत ही बढ़िया एनालिसिस, प्राइमरी यहाँ पे लिखा गया है। तो आप समझ जाइएगा कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम है तो इसका आंसर ए या फिर वन। यस सर, क्लियर है अभी? यस डेफिनेटली, आप यहाँ पे आए हैं तो आपको सारी बात में क्लियर करके ही भेजूंगा। जो भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं आप पूछते जाइए, मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, कुछ भी यहाँ पे छुपाने जैसा नहीं रखूंगा, क्योंकि ये YouTube का सेशन है, आपके लिए ओपन है, आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये है हमारा पहला एनालिसिस। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। कल जब मैंने क्लास लिया था तो काफ़ी लोगों को कुछ चीज़ें थी जो मुझसे पूछनी थी और वो कुछ इस तरीके का चीज़ था, बिल्ट इन पोटेंशियल से रिलेटेड। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, आप मुझे इसका आंसर कर दीजिए। ये उसी फीलिंग के साथ है जो आपको क्लियर नहीं था, तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को भी समझने के बाद आप काफी लोग लिखेंगे कि अब मुझे क्लियर हो गया है। बिल्ट इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेकडाउन वोल्टेज। यस, ये कहां से लाए हैं, नया थ्योरी, सुराजीत रविदास। इसको कौन से कनेक्ट करे सर, फॉर्मूला बताइए, ऐसा कब होता है सुराजीत? 0.69 वोल्ट सी, 0.69 वोल्ट सी, 0.69 वोल्ट सी। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे उन लोगों का एक्नॉलेजमेंट चाहिए मुझे यहाँ पे जिनसे ये क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। क्या लिखा है, भाषा समझ में नहीं आ रहा है, फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उन सारे लोगों का एक्नॉलेजमेंट चाहिए मुझे। ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा क्या? रहेगा या नहीं रहेगा वो पता नहीं, क्योंकि ये वीडियो स्ट्रीम्ड हो जाता है यूट्यूब पे, तो कभी हमको रिफ्लेक्ट करता है कभी नहीं करता है, तो इसलिए लाइव सेशन का एडवांटेज आप लीजिए, क्योंकि इसके बाद का सारा काम जो है वो यूट्यूब पे स्ट्रीम होके चला जाता है, तो यूट्यूब कंपनी जो है वो स्ट्रीम को रिटर्न करता है, उसके लिए समय लग सकता है। रिलेशन ऑफ कंसंट्रेशन इन बोथ साइड 0.69 वोल्ट। सुराजीत आप कुछ ऊपर बोल रहे थे, मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ, जो भी कुछ आप बोल रहे थे उसके लिए आप फॉर्मूला बताइए, है ना?
और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 0.69 वोल्ट का भी एनालिसिस करेंगे। क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है सर, क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्लास का रेगुलर टाइम शेख, मैं आपको बता दूं कि क्लास का रेगुलर टाइम अगर आप गेट एकेडमी ग्लोबल में जाएंगे तो 7:30 मॉर्निंग, जिसमें आपको मैं इंग्लिश लैंग्वेज में फुल कोर्स बताता हूं, जिसका प्लेलिस्ट तैयार है, आप प्रीवियस पूरे देखने के बाद आ सकते हैं। और 12 बजे मैं मेन चैनल पे आता हूं, जिसमें मैं क्वेश्चंस बताता हूं, ठीक है? हाँ, तो प्रिंस दोबरिया ने बोला कि ये क्वेश्चन नहीं पल्ले पड़ रहा है और इसका आंसर भी नहीं पल्ले पड़ रहा है, ना क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आंसर समझ में आ रहा है। तो बस ऐसे ही लोगों को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सारे लोग को इंटेलिजेंट बनाना मेरा एम है, सारे लोगों का EDC का कंसेप्ट क्लियर करना यहाँ पे मेरा एम है। कुंदन सिंह ने बोला कि 0.34 आ रहा है, ऑप्शन में तो नहीं है फॉर्मूला, पता नहीं क्या लिखे। अच्छा, पता नहीं सर, फॉर्मूला पता नहीं है उनको। यस, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूला। सर प्लीज़ YouTube पे वीडियो डिलीट मत करना, आपके लेक्चर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। नहीं करूंगा कोई भी वीडियो डिलीट, मेरे अधिकार के बाहर है, मैं वीडियो डिलीट नहीं करूंगा। जो चीज़ चला गया है वो चला गया है, अब मैं उसको जानबूझ के कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करता। नहीं आ रहा है सर, यस सौरभ दुबे, नहीं आएगा, काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस क्वेश्चन के पीछे मेरा जो प्रीवियस कल का एनालिसिस है, हवा नहीं लग रहा है, ये क्वेश्चन ऊपर से चला गया, मतलब लैंग्वेज तो देखिए राम भक्त का। तो ठीक है, यहाँ पे गणेश देशमुख सर, यूनिट कन्वर्शन में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है आपका, बहुत सारा प्रॉब्लम मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। यूनिट कन्वर्शन, अच्छा पॉइंट आप यहाँ पे लाए हैं, यूनिट कन्वर्शन में आपको प्रॉब्लम तभी आएगा जब आपका बेसिक क्लियर नहीं है, और यूनिट कन्वर्शन एक बहुत ही इजी जॉब है, लेकिन उसके लिए ना प्रैक्टिस चाहिए। आपको मैं जब बताऊंगा तो आपको लगेगा ये क्या है, लेकिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बिना प्रैक्टिस के यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि सारे लोग यूनिट कन्वर्ट करना जानते हैं, अगर मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर को वोल्ट पर मीटर, ये सारा कुछ करने बोलूँ तो आप कर दोगे, ये मुझे पता है, लेकिन फास्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे कई लोग, और कई लोग जो है वो गलत कर देंगे, जिसको बोलते हैं सिली मिस्टेक। तो इन सब बचने से, इन सब चीज़ों से बचने का एक तरीका है कि आप प्रैक्टिस कीजिए यूनिट कन्वर्जन का, ठीक है? तो नहीं हो पा रहा है ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं हो पा रहा है ना? नहीं जम रहा सर, तो ठीक है, मुझे ये पता चल गया कि काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो नहीं पढ़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये प्रॉब्लम। हाँ, समझ नहीं आ रहा है मतलब विजिबल नहीं है, या फिर आपके पास इसका फॉर्मूला नहीं है, विजिबल नहीं है या फिर फॉर्मूला नहीं है, विजिबल नहीं है या फिर फॉर्मूला नहीं है, बताइए मुझे। बिल्ट इन पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, आपके पास कंसंट्रेशन दो साइड्स का दिया हुआ है और VT की वैल्यू दी गई है। क्लियर विजिबल है सर, विजिबल है मतलब आपके पास इस क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं है, नो फॉर्मूला कमेंट मिल गया अनिकेत नागपुरे का मुझे। तो ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली बिल्ट इन पोटेंशियल का, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं दबाया और ये है मेरे पास बिल्ट इन पोटेंशियल का क्वेश्चन, और मैं ये बता दूं कि यही क्वेश्चन हमारे पास डिफ्यूजन पोटेंशियल के नाम से पिछले 2 सेशन से चल रहा है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन पोटेंशियल। तो मैं आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक का सारा कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ मेरे लाइव सेशन के थ्रू, ताकि आपको एग्जाम में बैठ के इस टॉपिक को डिफ्यूजन पोटेंशियल या फिर बिल्ट इन पोटेंशियल, आपको नाम दिख गया तो आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन तो मैं बना ही लूंगा, यही कॉन्फिडेंस जब आएगा तभी जाके आप एग्जाम में क्वेश्चन पे अटैक कर पाओगे, नहीं तो फिर ये बिल्ट इन पोटेंशियल से आपको डर लगने लगेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंसंट्रेशन दिया हुआ है बिल्ट इन पोटेंशियल, ये बिल्ट इन पोटेंशियल कहाँ देखने को मिलता है, ये बिल्ट इन पोटेंशियल हमको डायोड में देखने को मिलता है फर्स्ट केस, या फिर यही बिल्ट इन पोटेंशियल मुझे उस समय देखने को मिलता है जब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन हो। ये 2 केसेस है जहां पे हमको पोटेंशियल खुद से डेवलप होके मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन हो, ये 2 केसेस है जहां पे हमको पोटेंशियल खुद से देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि इस बिल्ट इन पोटेंशियल को निकालने के क्या क्या तरीके हैं, तो बिल्ट इन पोटेंशियल को निकालने के आपके पास 2 तरीका है, कैसे कैसे निकाल सकते हैं बिल्ट इन पोटेंशियल। पहला आप निकाल सकते हैं
इसको एनर्जी बैंड बैंड डायग्राम से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको बोला था। और दूसरा आप यहाँ पे एक और तरीके से इसको निकाल सकते हैं, वो है कि आप यहाँ पे करेंट की वैल्यू को जीरो करके भी निकाल सकते हैं, जो कि होता है इक्विलिबीरियम कंडीशन पे, ऐसा भी करके आप निकाल सकते हैं। ये दो तरीका है आपकी बिल्ट इन पोटेंशियल को निकालने का। तो अब मैं यहां पे बोलूंगा कि अगर हम डायोड की बात करें या नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन वाले सेमीकंडक्टर की बात करें, दोनों में हमको एक पोटेंशियल डेवलप होके मिलता है, जिसकी वजह से दोनों डिवाइस में इक्विलिबीरियम कंडीशन में करंट का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। प्रीवियस काफी लेक्चर से मैंने आपको ये वाला बताया, एनर्जी बैंड डायग्राम से कैसे बिल्ट इन पोटेंशियल निकाला जाता है, ठीक है। आज मैं आपको ये मेथड भी सिखाना चाहता हूं कि इक्विलिबीरियम कंडीशन में करंट की वैल्यू को जीरो करके कैसे बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली जाती है। आपका कंसेप्ट बिल्कुल बना के जाऊंगा, ठीक है। मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं, इक्विलिबीरियम कंडीशन, ये सारे डिवाइस जहां पे भी आपको बिल्ट इन पोटेंशियल दिखेगा, वो सारे डिवाइस जो है वो इक्विलिबीरियम कंडीशन में होता है। जिनको इक्विलिबीरियम पता नहीं है वो ये जान ले कि इक्विलिबीरियम का मतलब है कि आपने एक्सटर्नली कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया है, ना कि कोई टेम्परेचर चेंज किया है किसी टाइम ड्यूरेशन में, ना कि कोई फोटोन रेस लगाया है, ये सारे डिवाइस जो है वो इक्विलिबीरियम कंडीशन में है। तो आप डायोड ले लो या फिर नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ले लो, डायोड में भी आपके पास एक तरफ डोनर एटम्स होता है, एक्सेप्टर एटम्स होता है, मतलब अक्रॉस द लेंथ ऑफ द डायोड आपके पास नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ही होता है। और आप अपने से एक डिवाइस को नॉन यूनिफॉर्मली कंसंट्रेटेड करके, एक ही टाइप के डिवाइस को नॉन यूनिफॉर्मली कंसंट्रेटेड करके भी आप बिल्ट इन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नहीं हो रहा है तो रिपीट करके सुनिएगा, बहुत सारा ब्रह्म वाक्य मैं यहाँ पे कर डालता हूँ, और वो ब्रह्म वर्ड्स, ब्रह्म के जो शब्द है यहाँ पे EDC के जो ब्रह्म वाक्य है, अगर उसको आप इग्नोर करोगे तो आप ना क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पाओगे, और टर्मिनोलॉजीज जब नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन को आप उस तरीके से एनालिसिस नहीं कर पाओगे जैसा एनालिसिस एक IIT का प्रोफेसर आपसे चाहता है ना। तो जो वर्ड्स मेरे मुंह से निकल रहे हैं वो सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एक EDC के सब्जेक्ट की फीलिंग को अपनाने के लिए। आप पूरे डेप्थ में चले जाओगे, EDC में खो जाओगे, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि आप ये जो ब्रह्म वाक्य है इन सब चीजों को आप भी जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा आपके मुंह से भी छूटने चाहिए, तब जाके आप EDC के फीलिंग को समझ पाओगे, ठीक है। ये मेरा आपसे कहना है, तो थोड़ा सा समय दे दो, समय दोगे तो ये सारी वर्ड्स जो है वो आपके मुंह से फटफट निकलने चालू हो जाएंगे। तो हमने भी समय दिया है जिसकी वजह से ऐसा हो पाया है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब मैं एक डायोड के बारे में बात करता हूँ। इस डायोड में आप देखिए, यहाँ पे आपके पास एक न्यूट्रल पी रीजन है, ये न्यूट्रल एन रीजन है, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस है, एक तरफ नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये सेंटर वाला एरिया है। इस एरिया को हम लोग डिप्लीशन रीजन बोलते हैं, ये देखिए डिप्लीशन रीजन है, और इसका एक पेनिट्रेशन है इस साइड और इस साइड। पी साइड में इसके पेनिट्रेशन को WP से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन साइड में WN से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये पूरा एरिया जो है वो W है। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये वाला रीजन है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज नोन एज एक्टिव रीजन। ये एक्टिव रीजन जो है वो हमको क्वेश्चन फ्रेम करके देता है, ये एक्टिव रीजन जो है वो हमको क्वेश्चंस बना के देता है, और वही क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे पेस्ट है। तो बिल्ट इन पोटेंशियल मैंने आपको बोला कि दो प्रकार के सेमीकंडक्टर्स में मिल सकता है, एक है डायोड और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्मली कंसंट्रेटेड सेमीकंडक्टर। तो डायोड में किस लिए मिलता है, क्योंकि डायोड में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स ज्यादा होता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज कैरियर्स ज्यादा होता है, तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंस हो गया। इसी डायोड में बात करूं तो यहाँ पे क्या हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, एंड न्यूट्रल रीजन जो कि एन रीजन है, यहाँ पे पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, आपसे इंटरेक्ट करूंगा नहीं तो ये स्क्रीन जो है वो शांत हो जाता है, फीलिंग नहीं आती, तो स्क्रीन को शांत नहीं करना है, कमेंट का सेक्शन चलते रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ये पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर्स है क्योंकि ये पी रीजन है ना,
क्योंकि ये पी रीजन है एक्सेप्टर एटम का, क्या यहाँ पे पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर्स है मेरे पास, कौन से साइड में, एंड रीजन में जहाँ पे आपने डोनर एटम्स की डोपिंग की है, क्या वहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं। टर्मिनोलॉजी देखिए कितना अच्छा बोलता है, टर्मिनोलॉजी क्या बोलता है कि पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर्स है हमारे पास, तो यहाँ पे शेख गौस ने बोला नो, राहुल कुमार ने बोला नो, विभूति गोयल ने बोला नो, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं और कौन कौन क्या बोलता है, थोड़ा सा इंटरेक्ट करता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है उसमें भी सारा एनालिसिस छुपा हुआ है। लक्ष्य गोयल सर आप बेहतरीन पढ़ाए हैं पीटी कोर्स में, थैंक यू लक्ष्य, आपको पसंद आया, यहाँ पे भी आप पढ़ते रहिए मेरे से और सारी बातें वैसा ही करेंगे विथ फीलिंग्स। तो कुछ लोग बोल रहे हैं यस सर, कुछ लोग बोल रहे हैं नो सर, जो लोग नो सर बोल रहे हैं वो लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि एंड साइड में मेरे पास पॉजिटिव मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं है, इसका मतलब है एंड रीजन में मेरे पास होल्स नहीं है, एंड रीजन में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप नो बोल रहे हैं तो देखिए आपका कंसेप्ट कितना बिगड़ा हुआ है, कंसेप्ट इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि आप यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि इस एरिया में होल्स नहीं है, मतलब यहाँ पे आप बोलना चाह रहे हैं कि इस एरिया में माइनॉरिटी कैरियर्स का एग्जिस्टेंस नहीं है, इस एरिया में माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं है, ये तो इम्पॉसिबल केस हो गया, क्योंकि अगर आप एक टेम्परेचर 300 केल्विन रूम टेम्परेचर में आपके डायोड को रखे हुए हैं तो डेफिनेटली इज इक्वल टू 300 केल्विन, तो आप ये जानते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का उद्गम जो है वो टेम्परेचर से होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं विदाउट एनी सर्कल में बना दिया, जैसे ये बिना सर्कल के हैं, तो यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, तो जिनका आंसर नो है उनको मैं बोलूँगा कि वो गलत बोल रहे हैं और जिनका आंसर यस है वो इस बात को समझ सकें। तो सौरभ दुबे ने बोला माइनॉरिटी में है सर, यस ये माइनॉरिटी के फॉर्म में अवेलेबल है, किस फॉर्म में अवेलेबल है, ये माइनॉरिटीज के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम यहाँ के पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को एक नोटेशन से डिनोट करते हैं, वो है कि ये पी रीजन में है ना, ये होल्स है किस रीजन में, पी रीजन में, और इक्विलिब्रियम है उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, पी इन पी एरिया विथ नॉट साइन। तो यहाँ क्या जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है जो कि होल्स है उसके लिए हम इस नोटेशन को यूज करते हैं, ये मेजॉरिटी के लिए नोटेशन है, और यहाँ जो होल्स जो कि माइनॉरिटी है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है इसको हम लिखते हैं दिस इज द होल्स इन विच रीजन, इन एन रीजन, और यहाँ पे नॉट लगा दिया, इसका मतलब है थर्मल इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो यहाँ के होल्स को हम इस नोटेशन से लिखते हैं और यहाँ के होल्स को हम इस नोटेशन से लिखते हैं, ये इन जनरल हम नोटेशन फॉलो करते हैं, इस नोटेशन में सारा चीज छिपा हुआ है, ये बोलना चाह रहा है ये होल्स है किस रीजन में, पी रीजन में, एट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर नहीं बदला जा रहा है कॉन्स्टेंटली, ये सिमिलर टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पे, और यहाँ के होल्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी एन नॉट से, तो दोनों तरफ के होल्स को हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब मुझे ये बताइए कि ये पी एन नॉट को हम फॉर्मुलेटेड वे में कैसा लिख सकते हैं, किसी को पता है क्या, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि पी एन नॉट को हम फॉर्मूले में कैसा लिख सकते हैं, तो इस एरिया में जो हमारे पास पी एन नॉट है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, कोई यहाँ पे मुझे ये बता दे, इस एरिया में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है उसको हम निकाल सकते हैं क्या बाई यूजिंग एनी फार्मूला, कितने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होंगे एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि 300 केल्विन है। मुकेश रिवास, वी नॉट इज इक्वल टू वी टी एल एन पी वन बाई पी टू फॉर नॉन यूनिफॉर्म सेमी कंडक्टर, यस यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन ए, गणेश देशमुख क्या कर रहे हो, वट हैपन टू यू, सुराजित रविदास ने बोला कुछ मुझे और उन्होंने बोला कि हाँ निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला है एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये एन साइड है तो यहाँ पे एन ए नहीं लिखेंगे गणेश देशमुख, यहाँ पे लिखेंगे एन डी क्योंकि ये एन साइड की बात है। तो ये हो गया हमारे पास, और यहाँ के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज पी इन पी नॉट, और यही हमारा क्या कहलाता है, दिस इज गिवन बाय, ये हम कैसे लिखते हैं, दिस इज नथिंग बट एन ए, यही एन ए होता है। तो ये हो गया हमारे पास एन ए, ये हो गया हमारे पास
क्या चीज, एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन डी। अब मुझे फटाक से बता दो बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, बिना डेरिवेशन के भी मैं आपको कनेक्ट कर लिया हूं, पता है आपको, बिना डिराइव किए भी मैं कनेक्ट कर लिया हूं। तो हमारे पास बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ये हमारे पास है वी टी एल एन, ये है एन डी, ये उन सभी लोग जानते हैं जो मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना। तो ये उन सभी लोगों के लिए जो मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको ये फॉर्मूला पता है। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला, वी बी आई इज इक्वल टू, यहां पे लिखेंगे दिस इज के टी अपन क्यू, जो कि होता है वी टी, और ये हो गया एल एन, और हम लिखते हैं एन डी इन टू एन ए डिवाइडेड बाय एन आई स्क्वायर। ये बिल्ट इन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। अब मैं इसको कैसा लिखना चाहता हूं, मैं ऐसा लिखना चाहता हूं दिस इज के टी अपन क्यू विच इज नथिंग बट वी टी, और ये हो गया एल एन। एन ए तो मुझे पता है, एन ए को मैं लिख सकता हूं पी इन पी नॉट, और यहां पे और क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मैं इसको एन डी भी लिख सकता हूं। ये देखिए ये पूरा लॉग के अंदर आ गया। अब मैं इसी फॉर्मूले को कैसे लिख सकता हूं, देखिएगा ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूं दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास वी टी एल एन, एन ए क्या है, एन ए है हमारे पास पी इन पी नॉट, मतलब पी साइड में होल्स का कंसेंट्रेशन, एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन डी को आपने क्या लिखा है दिस इज पी एन नॉट, तो यहां पे मैं लिख दिया दिस इज पी एन नॉट, ये एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन डी क्या हो गया पी एन नॉट। तो हो गया हमारे पास ये जो मैंने यहां पे लिख दिया ये हो गया इसका फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेंगे हमारे पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, ये वही फॉर्मूला जो आप बिल्ट इन पोटेंशियल का पहले यूज करते थे, उसी फॉर्मूले को मैंने ऐसा लिख दिया, चलेगा। तो देखिए आपके पास अब फॉर्मूला है, जो लोग बोल रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा है, उन सारे लोगों के लिए यहां पे फॉर्मूला अवेलेबल है। और अगर ये फॉर्मूला अवेलेबल है तो मैं जाऊं क्वेश्चन में, जाऊं यहां से क्वेश्चन में जाता हूं, आपने सारा कुछ समझ लिया है तो मैं यहां से जाता हूं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन मेरे पास क्या था, ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या था, ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये देखिए पी इन पी नॉट दिया हुआ है, और यहां पे पी इन एन नॉट दिया हुआ है, बिल्ट इन पोटेंशियल पूछा है, वी टी की वैल्यू दी गई है, बस आपको क्या करना है एक छोटा सा कैलकुलेशन और आंसर निकालना है। तो यहां पे हम फार्मूला के अकॉर्डिंग यहां पे लगा दिए, ये हो गया हमारे पास फार्मूला कि बिल्ट इन पोटेंशियल के लिए है, हम यहां पे लिखेंगे वी टी एल एन, ये हो गया पी इन पी नॉट डिवाइडेड बाय वी कैन राइट दिस इज पी इन एन रीजन विथ नॉट साइन। तो ये हो गया होल्स का कंसंट्रेशन, ये हो गया होल्स का कंसंट्रेशन किस साइड में, पी साइड में, ये हो गया होल्स का कंसंट्रेशन एन साइड में। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 25 मिली वोल्ट एल एन, और ये हो गया आपके पास 10 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय, आपको यहाँ पे लिखना है 10 टू द पावर 4, हो गया आपका आंसर। तो अब सब लोग आंसर करेंगे विथ फीलिंग्स, विथ कंसेप्ट, विथ क्वेश्चन, जो भी आपने यहाँ पे देखा है, और मुझे ऐसा लिख रहा है कि यहाँ का आंसर जो है वो 0.69 वोल्ट आएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया, आपको सिर्फ याद दिलाया कि आप जिस एन रीजन की बात करते हो उस एन रीजन में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कैसे डिनोट किया जाता है, और जो पी रीजन है वहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को कैसे डिनोट किया जाता है। अब मुझे यहाँ पे आप मुझे कनेक्ट करना, क्या यही फार्मूला में करेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम में यूज करके फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैंने अभी जो प्रोसेस यूज किया वो ऑलरेडी डिराइव्ड फॉर्मूले को यूज करके किया, जो कि एक डायोड में होता है। अब मुझे यहाँ पे आपका एक कमेंट चाहिए कि मैं यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो करके इसी फॉर्मूले को डिराइव कर सकता हूँ क्या, इसी फॉर्मूले को करंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो करके इसी फॉर्मूले को डिराइव कर सकता हूँ क्या। कितने लोगों को ये वाला पार्ट आता है, कितने लोगों को ये वाला पार्ट आता है, बहुत अच्छे से जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने अभी अभी इसको इस फॉर्मूले को एक ऑलरेडी डिराइव्ड फॉर्मूले के से निकाल के दिखाया, कितने लोगों को ये वाला पार्ट आता है। फिर से उन लोगों का भी कमेंट चाहिए मुझे जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, जेन्युइनली आप रिप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही उमदा कंसेप्ट यहां से मिल जाएगा।
यस सर कर सकते हैं, मुकेश कर सकता है, प्रशांत कर सकता है, गणेश कर सकता है, और बाकी सब नहीं कर सकते। क्या ये पार्ट आपको पता है कि करंट का मैग्नीट्यूड जीरो करके मैं इसी फॉर्मूले को ला सकता हूं एट इक्विलिब्रियम? तो माधव ने बोला कि नो सर, सर गेट एकेडमी के कोहिनूर है। अरे बाप रे। और थैंक यू अगर आप ऐसा, नहीं सर नहीं आ रहा है सर, सर बता दीजिए, नहीं पता सर। बस आप लोग शांत क्यों रहते हैं नहीं पता तो? ये इंटरेक्टिव सेशन है, आपको फटाफट यहाँ पे कमेंट करना है। जिनको आता है उनसे पहले आपको कमेंट करना है यहाँ पे। नो आइडिया, आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट। यस मुकेश को ये बात पता है, वो आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट करके ये बात पता लगा लेते हैं। नो आइडिया सर, नो आइडिया मतलब आइडिया मेरे पास है, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसका आंसर बताता हूँ, और ये आज का लास्ट होगा, ठीक है? और उसके बाद हम एक नया क्वेश्चन लेंगे और उसको भी सॉल्व करेंगे। तो उस बात को बताने के लिए मैं चला जाता हूँ यहाँ पे फिर से नॉर्मल बोर्ड पे, और फिर मैं वहाँ पे आपको ये एनालिसिस दिखाऊंगा कि कैसा होता है। तो मैंने आपको क्या क्या बोला, मैंने जहां से बोला था वहीं से चालू करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि करंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो होती है कब? जब आपका डिवाइस इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। तो यही बात मैं सबसे पहले लेके आऊंगा, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में करंट का मैग्नीट्यूड को जीरो करके इस बात को पता लगाऊंगा। मैंने पूरे एनालिसिस में किसको पकड़ा था? मैंने पूरे एनालिसिस में जिस मोबाइल चार्ज कैरियर्स को पकड़ा था वो था मेरे पास होल्स, और उस होल्स को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? पी से। बस इसी बात को लेते हैं और मैं यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। ये लीजिए मेरे पास एक सेमीकंडक्टर है, और ये जो सेमीकंडक्टर है, मैं बोल रहा हूँ कि ये सेमीकंडक्टर मेरे पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, पूरा जो है वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है। लेकिन ये जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड है। और दूसरा क्या चीज है, यही पी टाइप का सेमीकंडक्टर इक्विलिब्रियम में भी है। तो नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड का मतलब है कि इक्विलिब्रियम, ये सारे वर्ड्स जो है वो आपके पकड़ में होनी चाहिए तभी। नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन का मतलब है यहां पे विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस होल्स का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, और इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इसके दोनों टर्मिनल्स पे नहीं रखा हुआ है। इसका मतलब है ओवरऑल यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड कितना है? करंट का मैग्नीट्यूड जीरो है, करंट इज इक्वल टू जीरो। यह है इक्विलिब्रियम कंडीशन का होने का मतलब। और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब, अगर हम इसमें दो पॉइंट्स ले लें, ध्यान से देखिएगा, ये एक ले लिया, ये एक ले लिया, यहाँ का कंसंट्रेशन अगर पी वन है तो यहाँ का कंसंट्रेशन पी टू है, और पी वन और पी टू एक दूसरे के बराबर नहीं है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि पी वन की वैल्यू पी टू की वैल्यू से ज़्यादा है। इसी बात को आपने यहाँ पे पी इन पी रीजन और पी इन एन रीजन पे भी ले सकते हैं, सेम चीज। सर आपसे अच्छा आईसी फैब्रिकेशन कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं ट्राई करता हूँ बेटा कि मैं आपको बहुत अच्छा दे सकूँ, जितना अच्छा मुझे पता है उतना सारा कुछ आपको मैं नॉलेज देना चाहता हूँ, ताकि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हैं तो आपको ये फीलिंग आ जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में होने से क्या क्या अच्छा चीज़ हमारे पास है जिसकी वजह से हम इस ब्रांच को लिए हैं। नहीं तो काफी लोगों को बी करने के बाद भी ये फीलिंग नहीं आ पाती कि हमने सीखा क्या। तो क्योंकि वो आईसी फैब्रिकेशन नहीं जानते, वो समझ नहीं पाते आईसी कहाँ से आया, वो समझ नहीं पाते सेमीकंडक्टर कहाँ से आया, क्योंकि उनका नॉलेज का लेवल और उनको जो पढ़ाया गया है वो उस लेवल का नहीं है, तो वो हेट करते हैं इस ब्रांच से। आप देखना काफ़ी लोग लिख देते हैं कहाँ पे, फेसबुक में, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच बुरा है, या फिर काफ़ी लोग लिख देते हैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए। तुम ना इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को जाने हो ना इंजीनियरिंग को समझे हो, फिर तुम्हारा ये कमेंट का होने का मतलब क्या है? तो इस तरीके की जो मिसगाइडिंग आपको की जा रही है वो गलत है। तो जॉब्स भी काफ़ी सारे हैं, तो उसके बारे में भी हम सुने देखेंगे आज की क्लास के। इस सेशन को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है x1 x2, मतलब मैंने यहाँ पे बोला कि विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस अगर आपका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्मली डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है। तो यहाँ पे एक हमारे पास सेमीकंडक्टर है जिसको मैंने एक्सेप्टर एटम से डोपिंग किया है। लेकिन जब एक्सेप्टर एटम से डोपिंग किया है, मैंने ये केयर किया है कि इस जगह में एक्सेप्टर एटम का कंसंट्रेशन Na1 है तो ये ग्रेटर होना चाहिए इस जगह के एक्सेप्टर एटम के कंसंट्रेशन, तो मैंने यहाँ पे कंडीशनल डोप किया है। अब मुझे ये पता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर करंट का मैग्नीट्यूड जीरो है क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। तो अगर मैं यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड जीरो कर दूँ
तो मुझे ये पता है कि करंट का मैग्नीट्यूड जीरो। एक सेमीकंडक्टर के अंदर एक्चुअली दो करंट अवेलेबल होते हैं, एक डिफ्यूजन करंट, एक ड्रिफ्ट करंट। मतलब ना तो इसमें कोई डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रहा है, ना तो इसमें कोई ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि आपने एक्सटर्नली कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं लगाया है। लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे एक डिफ्यूजन करंट फ्लो होगा, और उस डिफ्यूजन करंट की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल भी डेवलप होगा, उस पोटेंशियल से ड्रिफ्ट करंट भी फ्लो होगा। तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ, तो आप ये जानते हैं कि होल्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, नहीं सुन पा रहे हैं तो आप उसको रिपीट कीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यहां पे एक करंट जो है वो आपका इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, और वो करंट कौन सा होगा, वो करंट आपका डिफ्यूजन करंट होगा। कौन सा करंट होगा, ये डिफ्यूजन करंट होगा। और एक करंट इस जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से भी फ्लो होगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आता है, तो आप देखिए जब आपने Na से डोपिंग किया, तो ये Na में आपके पास क्या था, एक नेगेटिव चार्ज जिसको आयोन्स बोलते हैं, और इसके साथ एक होल्स। अगर मैं बोलूं कि डिफ्यूजन हुआ, इसका मतलब है होल्स दूसरे पार चढ़ा गया, तो यहां पर कौन से चार्ज आ गए, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गए। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप करेगा जो कि नेगेटिव पोटेंशियल है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल और एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल, कंसंट्रेशन में भी हम एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारे पास एक और करंट फ्लो होगा जो कि ड्रिफ्ट करंट होगा। इस डायरेक्शन में एक और करंट फ्लो होगा जो कि हमारे पास, ये जो डायरेक्शन मैंने लिख दिया, ये ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा। और ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। इन सब बातों को अगर कंसंट्रेशन दिखा दिखा के किया जाए तो बहुत उमदा है, नहीं दिखा के किया जाए तो आप फॉर्मुलेटेड वे में समझ सकते हैं, कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया गया है, मतलब करंट का वैल्यू जीरो है। अभी मैं कंसंट्रेशन नहीं दिखाना चाहता, इसका मतलब है मैं ये बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे ड्रिफ्ट करेंट जो होता है प्लस डिफ्यूजन करेंट जो होता है, उन दोनों का एडिशन जीरो होगा। एक डायोड में ये दोनों करेंट होता है। और अगर हम लोग ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में बात करें, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, मैंने इसको J लिख दिया, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी प्लस डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, ये दोनों का समेशन जो है वो जीरो होगा। यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया। अब एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर में ड्रिफ्ट करंट को कैसा लिखते हैं, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी को, इसको हम लिखते हैं एन क्यू म्यू एन के साथ, ये हो गया पी क्यू म्यू पी, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहां पे डिफ्यूजन करंट पी टाइप के सेमीकंडक्टर में ये कैसे लिखाता है, ये लिखाता है क्यू डी पी, और उसके साथ हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक साइड में ले आते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसको एक साइड में ले आए तो बाकी सारी चीजें दूसरे साइड चली जाएगी, ये हो जाएगा डी पी डिवाइडेड बाई म्यू पी, और ये हो जाएगा वन अपन पी, और हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स, ये आपको फॉर्मूला मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, सिंस वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड, फटाफट डेरिवेशन, सिंस वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डीएक्स, ऐसा होता है, माइनस ऑफ डीवी बाई डीएक्स होता है। बस उसी फीलिंग के साथ हम इस पार्ट को यहां पे ले आते हैं और यहां पे लिख देते हैं एक दूसरे कलर से, कि हमारे पास ये आ गया कि माइनस ऑफ डीवी बाई डीएक्स को हम कैसा लिख सकते हैं, दिस इज गिवन बाय dp by mu t, आइंस्टाइन रिलेशनशिप से ये क्या हो जाता है vt, और उसके साथ है 1 upon p, और हमारे पास है dp by dx, ये सारा कुछ आपको पता है ना। यहाँ पे vt जो है वो आइंस्टाइन रिलेशनशिप, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, आइंस्टाइन रिलेशनशिप, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस से चल रहा हूँ, मैं बीच से कुछ भी नहीं उठाता हूँ। ये हो गया dp by mu p, तो यहाँ पे dp by mu p को मैंने vt कर दिया, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। और अगर मैं यहाँ पे देखूं इन दोनों के बीच में अगर कंसंट्रेशन डिफरेंस है और ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन डिफरेंस है और ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इस जगह के पोटेंशियल को मैं V1 ले रहा हूँ, इस जगह के पोटेंशियल को मैं V2 ले रहा हूँ। तो मतलब X1 और X2 के बीच में कंसंट्रेशन डिफरेंस भी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला आपको फाइनली मिला है, इस फॉर्मूले को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन एंड विद रेस्पेक्ट टू, क्योंकि ये कंसंट्रेशन है, और विद रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल।
तो उसके पहले मैं वहां से dx dx की वैल्यू हटा दिया और मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, यहां से यहां तक v1 से v2 तक, और उसके साथ क्या आ जाएगा dv, और क्या है हमारे पास यहां पे vt है, ठीक है, और क्या है हमारे पास vt है, ये पार्ट को यहां से हटा देते हैं, ठीक है, ये vt मैंने लिख लिया, और उसके साथ हमारे पास क्या है, दिस इज पेन ले लिया, यहां पे इंटीग्रेशन किसका करेंगे p1 से p2 तक, इसको v1 से v2 किया तो इसको भी p1 से p2 तक, और उसके साथ हमारे पास क्या है 1 अपन p, ये हो गया dp, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब हम उसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं कि v1 से v2 तक लिखने का मतलब है कि यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ v2 माइनस v1, ऐसा लिख सकता हूं, और इस तरफ क्या लिख सकता हूं, अगर आपने प्रॉपरली इंटीग्रेशन जाना है तो ये ln ऑफ क्या हो जाएगा, दिस इज p2 बाई p1 हो जाएगा, p2 बाई p1। अब मैं प्रॉपरली लिखूं इसको तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस इज गिवन बाय v2 माइनस v1 विच इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू, जिसको हम बिल्ट इन पोटेंशियल या v0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इज vt ln। अब मैं इस नेगेटिव साइन को हटाया तो ये हो जाएगा p1 डिवाइडेड बाय p2, ये हो गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को मैं ले लेता हूं एक बॉक्स में और आप उस चीज को प्रॉपरली समझ जाएंगे कि मैंने यहां पे क्या कराया है, ये मैंने ले लिया, ये थोड़ा सा और क्लियर कर लिए, तो ये हो गया हमारे पास ये फॉर्मूला, ऐसा ये फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो आप फॉर्मूला जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन कर लेंगे, इसमें कोई भी आपको कहीं भी किसी भी स्टेप में अगर आपको डाउट है तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने फटाफट से आपको एक डेरिवेशन दिखाया और यही जो डेरिवेशन है जिसको हम वीवीआई बोलते हैं, ये बोलना चाहता है कि ये बीटी जो कि केटी होता है, केटी अपन क्यू एलएन, और दोनों साइड के कंसंट्रेशन का रेशियो, यहां पे यहां का कंसंट्रेशन, यहां का रेशियो, देखिए वही फॉर्मूला दूसरे फॉर्म में आ गया, लेकिन हम इसको किस तरीके से एनालिसिस किए, हम करंट के मैग्नीट्यूड को जीरो करके इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसको एनालिसिस कर लिए, और इसके पहले वही फॉर्मूला हम दो टाइप से और निकाले थे, एक एनर्जी बैंड डायग्राम के तरीके से और एक दूसरा तरीका हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल वी नॉट का फॉर्मूला था, उसमें P1 और P2 को हम लिख दिए थे। तो ये बहुत ही इजी तरीका है और इसके थ्रू आपको ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल सकता है। तो मुझे यस सर आप समझाते हैं तो सब इजी लगता है, यस डेफिनेटली, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए, आइडिया प्रॉपर होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको चीजें जो है वो क्लियर कट समझ में आ जाएगा। यस सर क्लियर है ये वाला भी, डेफिनेटली सभी कुछ आपको क्लियर होगा धीरे से। सर डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 2.3 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड कैसे आता है, ये एक दूसरा टॉपिक है बेटा, जिसमें हम ये बोलना चाहते हैं कि आपका आप जो पूछ रहे हैं मुकेश श्रीवास, उसमें आपको क्या लिखना है कि आप अगर एक डायोड में करंट के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, वो टेम्परेचर का वेरिएशन के साथ वी आई कैरेक्टरिस्टिक कैसा वेरी करता है, वो टॉपिक है, मैं उसमें आऊँगा, लेकिन ये इससे अलग है। मुकेश श्रीवास आप जो पूछ रहे हैं वो इस टॉपिक से अलग है, वो टेम्परेचर के साथ चेंज का है, मतलब वो नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन का है, और ये हम जो बात कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन का है। सर आज मॉर्निंग की क्लास भी नहीं हुई, थैंक यू, ग्रेट सेशन सर, यस ये जो है ये बहुत ही बढ़िया है, आप इसको अपने साथ बैठ के थोड़ा देर समझेंगे तो आपको मिलेगा सेम वही फॉर्मूला जो अभी तक आपको मिल रहा था। तो डायोड में क्या होता है, डायोड में सिंपली यहाँ पे एक लाइन हो जाता है, एक साइड में P हो जाता है, एक साइड में N हो जाता है, यहाँ पे मेजोरिटी हो जाता है, यहाँ माइनॉरिटी हो जाता है, और सेम यही डेरिवेशन को हम उस तरीके से पुट अप कर देते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ड्रिफ्ट करेंट, देन प्लीज रिपीट वंस अगेन, ड्रिफ्ट करेंट का प्रेजेंस जो है इसके पहले भी मैं बता चुका था, अभी फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपका कंसंट्रेशन जो है एक तरफ का ज़्यादा होगा दूसरे तरफ का कम होगा, तो यहाँ से आपके जो मोबाइल चार्ज कैरियर से नेगेटिव आयन्स के साथ होल्स है, ये होल्स जो है वो इस तरफ जाने लगते हैं,
और जब होल्स उस तरफ जाने लगते हैं तो उसका मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती जाती है और यहाँ की नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि होल्स का मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो होल्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देता है, और होल्स क्योंकि इस जगह को छोड़ दिया इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स बढ़ने लगता है। इस कंडीशन में आपके पास इस डिवाइस के अंदर यहाँ की पॉजिटिविटी और यहाँ की नेगेटिविटी की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक और करंट फ्लो होगा, और जिस करंट का जो कि आप इसको आई ड्रिफ्ट के नाम से लिख सकते हैं। मैंने आपको बोला था इसको समझने के लिए आपको चार्ज का विजुअलाइजेशन होना चाहिए, फार्मूला ठीक है। जब आप ये समझना चाहते हैं कि ड्रिफ्ट क्यों आया तो आपको दिखना चाहिए चार्ज, होल्स चला गया, नेगेटिव आयंस बढ़ गया, होल्स इस तरफ बढ़ गया, इधर की पॉजिटिविटी बढ़ गई, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक ड्रिफ्ट करंट फ्लो होने लगता है। बड़ा सिंपल है। मॉर्निंग में सर आप कितने बजे क्लास लेते हैं? मॉर्निंग में प्रियंका वर्मा मैं 7:30 बजे गेट एकेडमी ग्लोबल पे क्लास लेता हूँ, तो आप वहाँ पे आएंगे तो आप प्लेलिस्ट में पहले प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे चालू करिएगा। थैंक यू मच सर, एवरी डे आपका साउंड मोटिवेट करता है। यस थैंक यू, अगर आपको ये सारी चीज़ें मोटिवेट कर रही है तो जैसे हमको नहाना डेली ज़रूरी है ना, वैसी मोटिवेशन की भी डेली ज़रूरत पड़ती है, और डेली का जो मोटिवेशन हमको मिल गया तो समझ जाओ वो दिन जो है वो बहुत अच्छे से गुजरेगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ आप सबको थैंक यू, जय हिंद, और अब हम मिलते हैं फिर से अगले सेशन में कल। ओके।